हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहले चरण में मोदी लहर की जगह कहर देकर वाजपेयी खेमों में सन्नाटा पसर गया है। अखिलेश। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने 2014 में विकास की बात की थी, मगर 5 साल में विकास नहीं होने पर अखिलेश यादव पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं नाम से ट्विटर पर सवालिया लहजे में सीरीज चला रहे हैं। अखिलेश की ये सीरीज बीजेपी को उसी के मुद्दों पर भी घेर रही है। अखिलेश ने ट्वीट करके जनता से पूछते हुए लिखा है कि भाई साहब, पहले चरण के बाद आपको कोई वाजपेयी दिख रहा है क्या? दरअसल पहले चरण में भाजपा की लहर के जगह कहर का असर देखकर वाजपेयी खेमों में सन्नाटा पसर गया है। किसी का भी प्रचार तंत्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कभी सच नहीं नकार सकता। वहीं आज पीलीभीत की रैली में अखिलेश ने बोलते हुए मोदी सरकार की नोटबंदी के पीछे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने हमारे आपके नोट जमा करा लिए और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अखिलेश ने नीरव मोदी माल्या पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खास लोग तो हवाई जहाज में बैठकर चले और पैसा जमा रह गया। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डले। 8 सीट पर 63.69% मतदान हुआ। सहारनपुर में 70.68, कैराना में 62.10, मुजफ्फरनगर में 66.66, बिजनौर में 65.40, मेरठ में 63 और बागपत में 63.90% मतदान डले, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 60.15 और गाजियाबाद में 57.60% मतदान हुआ। इन वोटिंग प्रतिशत पर अंदाजा लगाते हुए राजनीतिक विश्लेषक गठबंधन का पगड़ा भारी मान रहे हैं। लड़ी गई 8 सीटों में 3 सीटें ऐसी हैं जहां से केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं और 1 सीट मुजफ्फरनगर से पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री वीके सिंह, महेश शर्मा, सत्यपाल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद हैं, लेकिन सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।